सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक अफोर्डेबल रेंज के माइक्रोफोन की, जिसको कि कोई भी नया यूट्यूबर या फिर नया यूट्यूबर बनना चाहता है या फिर अभी भी चैनल क्रिएट करना है या फिर कर लिया है, तो भाई ये माइक्रोफोन उन्हीं के लिए होने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं है। ये सिर्फ 200 रुपये का माइक्रोफोन है। मतलब कि अगर आप नए यूट्यूबर तो आपको अभी ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिंपल मोबाइल फ़ोन से चैनल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो सही है, वरना फिर आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो और कोई सस्ता सा माइक्रोफोन ले सकते हो। तो मैंने भी ये 200 रुपये का ख़रीदा नया नया माइक्रोफोन। तो अब मैं मतलब कि जो ऑडियो आप सुन रहे हो ये आप इसी माइक्रोफोन से सुन रहे हो, जिसका कि मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये ऑडियो सही आ रही है या नहीं आ रही है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, बहुत सारी पुरानी वीडियोस है जिसमें कि मैंने बिना माइक्रोफोन के, मतलब कि अपने मोबाइल के माइक्रोफोन से डायरेक्ट मैंने उसका वॉइस ओवर करा है वैसे करके। तो भाई ये आ चुका फाइनली अपना नया नया माइक्रोफोन, जो कि ये एक केस में आया हुआ है। तो मुझे ये 199 का पड़ा, जिसके साथ मुझे केस भी मिला, तो मैंने इसे ही परचेज़ कर लिया। इसकी केस की क्वालिटी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही सॉफ्ट है ये और बढ़िया है भाई। अब आपको मतलब कि माइक्रोफोन को रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से हम इस माइक्रोफोन को इसी केस में रख सकते हैं। तो भाई इसको रखते हैं साइड में, और साइड में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं है, पूरा बॉक्स खाली आया हुआ है। मतलब कि अब 200 रुपये में भाई ये किसी भी ब्रांड की तरफ से नहीं आता, बस ये ऐसे ही है। ये आपको 200, 300, 400 अलग अलग प्राइस में मिल जाएगा, तो आप देख लेना आपको कौन सा लेना है। अगर आपको केस के साथ चाहिए तो भाई इसका लिंक मैं दे रहा हूँ, ये 199 का आपको पड़ेगा, आप इसे ही ले सकते हो, वरना आप दूसरे वाले के लिए जा सकते हो जो सबसे सस्ता मिल रहा है, आप उससे ही खरीद लेना, क्योंकि सब में आपको क्वालिटी सेम मिलने वाली है, इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं। अगर आप ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो यार वही बात है, मतलब कि इसका बॉक्स मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये जो पाउच है छोटा सा, इसका चैन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और मैं इसे काफ़ी दिन तक यूज़ करने वाला हूँ, जब तक मेरे चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, मतलब कि मुझे नए माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब तक मैं इसे अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ। और इसकी लेंथ को मैंने अपने हाथों से नापा है, तो भाई ये करेक्ट तो नहीं है, लेकिन अब कंपनी ने लिखा है कि 1 मीटर का है, तो मुझे भी 1 मीटर और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा, 1 या 1.5 मीटर का ही है। और ये क्लिप जो काफ़ी सॉफ्ट लग रही है, ये काफ़ी हार्ड है, तो ये आपके कपड़ों से जल्दी गिरने वाला नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। इसके अंदर इन्होंने ये गोल्ड प्लेटेड का 3.5 mm जैक दिया है। तो भाई ये मेरा पर्सनल फ़ोन जो कि रेडमी नोट 7 3GB 32GB, जिससे कि मैं सारी वीडियोज़ जो भी आप देखते हो उसी से बनाता हूँ। और फिलहाल तो मैं रिकॉर्ड जिससे कर रहा हूँ वो है रेडमी का नहीं, वो रियलमी का 5 है, जो कि मेरे भाई का फ़ोन है, इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका कैमरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं माइक्रोफोन की क्वालिटी टेस्ट करने वाला हूँ। तो भाई अभी तक आपने जितने भी ऑडियो सुनी है सब आपने माइक्रोफोन से ही सुना है, मतलब कि मेरे नए वाले माइक से सुना है, जिसको कि मैंने अभी परचेस किया है। तो भाई अब मैं स्विच करता हूँ एक बार ही अपने नॉर्मल माइक्रोफोन में, मतलब कि मोबाइल फ़ोन के माइक्रोफोन में, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और कितनी अच्छी है। तो अब स्विच करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे रियलमी 5 के माइक्रोफोन से, जिसके अंदर मुझे लगता है ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा। तो यार देखो डिफरेंस यही होता है माइक्रोफोन और बिना माइक्रोफोन में, कि जो नॉइस होती है रिड्यूस हो जाती है। मतलब अब मैं इस माइक से बोला था तो आपको शायद बैकग्राउंड में जो भी है आलतू फालतू की आवाज़ें वो कम आ रही होंगी और इसके अंदर ज़्यादा आ रही होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया माइक्रोफोन है। आप अगर आप नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो, आपका बजट ज़्यादा नहीं है, तो आप इसी के लिए जा सकते हो। तो भाई देखो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे पास आ चुका नया माइक्रोफोन, जिसका साफ मतलब यही कि अब आने वाली बहुत सारी नई नई वीडियोज़। तो हम बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं भाई, फैक्ट्स के ऊपर, एनिमे के ऊपर, एनिमे स्टोरीज़ के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और यार एक और बात, जो मेरा द करण YT चैनल है, गेमिंग चैनल है, उसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि मेरे पास माइक्रोफोन आ चुका है, तो मैं उस पर नया कंटेंट डालूंगा। क्योंकि यार पबजी जब से बैन हुआ तब से मैंने उस पर कुछ भी नहीं डाला, तो जब तक 4G नहीं आता हम उस पर कोई दूसरा कंटेंट डालेंगे। और भाई सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त का चैनल है, जो कि आप यही समझ लो हमारा ही चैनल है, जिसकी कि रिकॉर्डिंग मैंने करी है, और पहले हमने जो भी उस पर आप चैनल पे देखोगे तो जो पुराने वीडियोस है उसको हमने ही बनाया है, और मैं भी उसके अंदर। उस चैनल का नाम है भाई देसी छोरा 7। तो भाई उसके ऊपर हम दोबारा से आ चुके हैं वो रिटर्न, और उसके ऊपर हम बहुत सारी नई वीडियोज़ बनाने वाले हैं। तो एक वीडियो बन चुकी है हमारी, जो कि 15 तारीख को लॉन्च होने वाली है देसी छोरा 7 पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई उस वीडियो का ट्रेलर बहुत ही तगड़ा है, वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है, आप ट्रेलर चैनल पे जाके देख सकते हो, और वीडियो हम डालेंगे 15 तारीख को। तो यार प्लीज़ देसी छोरा 7 को सब्सक्राइब करो, उसे शेयर करो और सपोर्ट करो, और देखते रहो।